हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आ चुके आप सबके लिए एक नए वीडियो लेकर। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या टीम के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में, जहाँ पे मैंने आप सबको कल बताया कि केकेआर ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया, किन को रिलीज किया। साथ में दोस्तों उसी के ऊपर बात करेंगे और केकेआर ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को खरीद सकती है, केकेआर के पास कितने पैसे होंगे, कितने प्लेयर और खरीदने होंगे, सारी चीजें मैं आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सबको कल ही बताया कि सिर्फ 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, लेकिन उसमें से सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप प्लेइंग 11 में कभी भी डाल सकते हो। जहां पे अगर इंडियन कोर देखा जाए तो भी काफी अच्छा एक इंडियन कोर आपको यहां से नजर आता है। श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, नितेश आना, फिर वरुण चक्रवर्ती, सुया शर्मा, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, वैभव अरोरा जैसे काफी अच्छे इंडियन कोर केकेआर के पास मौजूद है। और उसके साथ ओवरसीज में एंड्रयू रसल, सुनील नारायण और फिर जेसन रॉय, जो कि पिछले साल काफी कमाल के थे, और फिर रेमनुल्ला गुरबाद जैसा एक बहुत ही कमाल का युवा विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि काफी अच्छा स्टार्ट टॉप में दे सकता है। तो दोस्तों, काफी अच्छा एक कोर केकेआर टीम ने रिटेन कर लिया है। और अभी अगर बात कर जाए तो भी केकेआर के पास 12 स्लॉट खाली है, 12 खिलाड़ी और केकेआर में खरीद सकती है, जिसमें से 8 इंडियन हो सकते हैं और 4 ओवरसीज प्लेयर को और खरीदना है केकेआर को। और अगर देखा जाए 32,70,00,000 रुपए केकेआर के पास है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा अमाउंट है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी केकेआर काफी इजीली से खरीद सकती है। और अगर रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को देखा जाए तो उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिटेन भी किया जा सकता था, जिसमें से एन जगदीशन का नाम है, जिनको पिछले साल ही 90,00,000 रुपए में केकेआर ने खरीदा था। काफी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, इस वजह से उनको जाने दिया। फिर आर्या देसाई, जिनको रिप्लेसमेंट में लाए थे मात्र 20,00,000 में, उनको भी जाने दिया। और शार्दुल ठाकुर भी एक ऐसे नाम थे जिनको भी रिटेन किया जा सकता था, क्योंकि करेंट इंडिया प्लेयर है, लेकिन गौतम गंभीर आए, एक फ्रेश स्टार्ट वो चाहते हैं टीम में। और जो प्लेयर मतलब नहीं खेल रहे हैं, जिनकी जगह जो प्लेइंग 11 में सर्टेन नहीं है, उनको जो रिलीज कर दिया गया है। और इसमें से एक नाम उमेश यादव का भी था, डोमेस्टिक उनका काफी अच्छा जा रहा था, तो उनको भी रिटेन किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि गौतम गंभीर आए हैं टीम में, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। जो मेन कोर था उनको रिटेन किया गया है, लेकिन जो खेलने वाले प्लेयर नहीं थे उनको बाहर कर दिया गया है। ऑक्शन में अब जो अच्छे अच्छे प्लेयर को केकेआर टीम लेने वाली है। और दोस्तों, देखा जाए तो किन किन खिलाड़ियों के पीछे केकेआर टीम आ सकती है, तो फिर केकेआर को 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर यहां से चाहिए होगा, क्योंकि लॉकी फर्गसन और टिम साउदी रिलीज हो गए हैं, तो 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर तो टीम में चाहिए होगा, जिसमें से यहां पे पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, स्पेंसर जॉनसन, दिलशान मधुसंकर, ये ऐसे प्लेयर है जिनके पीछे केकेआर टीम या फिर किसी और प्लेयर के ऊपर केकेआर टीम की नजरें होंगी शायद से। और उसके बाद केकेआर को एक एंडरसल का बैकअप भी चाहिए होगा। और भी दोस्तों, मेरे हिसाब से एक और विकेट कीपर बैट्समैन जो कि टॉप ऑर्डर या फिर मिडल ऑर्डर में भी खेल सके ओवरसीज में, वो भी केकेआर टीम को चाहिए होगा। और बात करते हैं इंडियन में, तो फिर 1-2 इंडियन पेसर चाहिए होंगे, जिसमें से कार्तिक त्यागी का नाम आ सकता है, शिवम मावी को एक बार फिर से लिया जा सकता है, और फिर बैट्समैन में भी इंडियन में केकेआर को चाहिए होगा। और फिर विकेट कीपर, इंडियन अभी केकेआर के पास एक भी नहीं है, तो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन भी केकेआर की नजर में हो। तो फिर इसीलिए मैंने आप सबको बताया कि 32,70,00,000 रुपए केकेआर के पास ऑक्शन के लिए है, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है और इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर को केकेआर ले सकती है। और खास करके जब आप ध्यान में रखते हो कि ऑक्शन टेबल पे गौतम गंभीर होंगे, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को वहाँ से खरीदा जाएगा। वैसे प्लेयर को नहीं खरीदा जाएगा जिनका सिर्फ नाम है और परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो इस वजह से गौतम गंभीर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और 12 खिलाड़ी और केकेआर को खरीदने हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से केकेआर टीम उनको मैनेज कर लेगी। तो भी दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, क्या उनको रिटेन करना चाहिए था, और केकेआर ने इन 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उनमें से कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि उनको रिटेन भी किया जा सकता था। बाकी दोस्तों, आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप सबको उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।